ये गलत कर रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। गद्दारी कर दे तू, गद्दारी कर दे। इंडिया की बात कर रही है, जो हमसे बाद में मुल्क आजाद हुए हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो इंडिया का क्या करेंगे। हमसे निकला बांग्लादेश आज वो भी हम बेशक उनका नहीं कर सकते तो आप फिर वो इंडिया की बात कर रही हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। इंडिया कह रहा है ना जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, जो हमें वो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो हमारे वो जो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश में, और उनकी कोशिश जो है कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतर कौम है। क्या बोला तूने? सबसे बेहतर कौम है। आर यू कॉमेडी मी? इंडिया हमारे मुकाबले में जूती के बराबर है। हम भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, एटम बम, अगर वो ना होता तो हमें ये खा पी जाते। तो हमारे से तकरीबन 10-15 साल आगे चला गया होगा, क्योंकि उसकी देखे ना करंसी कहाँ पे है और हमारी करंसी कहाँ पे है, इसलिए इंडिया का तो हम कर ही नहीं सकते। जलवा है हमारा। सर, आर्मी को अटैक किया गया जहाँ इंटरनेशनल बेस सबसे अच्छी इमेज हमारी आर्मी की थी, आज चल झूठा। जो हो रहा था ना, ये जो किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एटम बम को क्लोज करने के लिए किया जा रहा है। ये 3 साल पहले भी हुआ था। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है कि इंडिया के एंकर जो कहते हैं हम वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारी आर्मी नंबर 1 दुनिया की आर्मी मानी जाती है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब भरपाई तो इमरान खान को ही करनी चाहिए, वैसे आवाम भी बड़ी जाहिल है मेरी नजर में। बात तो सही है। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा यह है कि अभी हालात जो आपके सामने हुए थे, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो GDP अच्छा जा रहा है। अच्छा। वो पंजाब का, पंजाब के अंदर सूरत हाल आपके सामने है, एक पार्टी दूसरे को जलील करी, दूसरी पार्टी पहली को जलील कर रही है, और बीच में आवाम जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। सर, अरबों खरबों का इस टाइम नुकसान हुआ है, सर कौन करेगा पाकिस्तान की भरपाई? ये नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, और आवाम अपने हाथों से खुद ही अपना नुकसान कर रही है। जो हालात जो इस जिस तरह इंडिया कह रहा है ना जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, इसमें इंडिया कहाँ से आया भाई? आ रहे हैं जो हमारे वो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश में, और उनकी कोशिश जो है कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सबसे बुरी बात है कि हमारी इज्जत, हमारा जो बहुत बड़ा मकाम है वो है हमारी मिलिट्री फोर्स, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए जो हमने ये कर दिखाया है ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई भी दुश्मन भी नहीं ऐसा करता जिस तरह के हमने उनके घर से कपड़े उनके और आर्मी के जो उठा के जो हमने उनके साथ जो बुरा किया है, बुरा नहीं, हमने बहुत बुरा कर दिया है, हमने अपनी ही आर्मी के साथ ये हमने टोटल किया है। इंडिया के जो एंकर पर्सन जो हमें समझाते हैं ना, हमने उसी के ऊपर अमल किया है। मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, आप और आपका एक भाई है, सर आप बहुत समझदार हैं, वो भी बहुत समझदार है, अपने अपने तौर पे बहुत समझदार है, वो अगर आपको मुकम्मल अपने कंट्रोल में करता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सर आप करेंगे? देखें, कहीं ना कहीं मेरी समझ तो इस्तेमाल में आएगी ना। वही बात है ना भाई, हमारी समझ भी तो हमारे इस्तेमाल में आनी चाहिए ना। कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतर कौम है, इंडिया हमारे मुकाबले में जूती के बराबर है, हम ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। सर आज हम उनकी कहां से बात सुनो, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, एटम बम, अगर वो ना होता तो हमें ये खा पी जाते। जो हो रहा था ना, ये जो किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एटम बम को क्लोज करने के लिए किया जा रहा है। ये 3 साल पहले हुआ था, ये कर कोई नहीं सकता। अभी आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, इमरान खान की जब अरेस्टमेंट हुई तो आपको पता है कि मुल्क के अंदर कितनी तबाही मचा दी, इवन के सवाद का जो हम मोटरवे देखते हैं इतना ज्यादा जला के राख कर दिया, सर अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब का GDP जो हमें सबसे ज्यादा नजर आता है, लेकिन पंजाब के अंदर ये हालात है। सर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अगर अभी देखें तो दिवालियों के होने की राह पे है, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्या वजूहत है? दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है, सिर्फ दिवालिया नहीं हो रहा, और हालात जो है ना, कोई भी अदारा अपने आप में नहीं है, कोई अदारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इसका हल सिर्फ आखिरी जो है मेरे माइंड के मुताबिक कि पाकिस्तान में 5 साल मार्शल लॉ लगे, उसी ज्यादा दौर वाली, हर इदारा अपनी औकात में आए, तमाम डिपार्टमेंट अपनी औकात में आए, और मुल्क जो है फिर तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं।
सर हिस्ट्री में पहली दफा हमारी पब्लिक की जानिब से हमारी आर्मी के ऊपर इतना अटैक्स हुए और ये सब कुछ हुआ, जबकि हम देखते हैं हमारी आर्मी नंबर वन दुनिया की आर्मी मानी जाती है। इसके अलावा अगर यूएस को भी कभी जरूरत पड़े तो वो हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करवाता है। लेकिन सर आज हिस्ट्री में ऐसा होने के बाद इंटरनेशनल बेस आर्मी की वैल्यू वैसी नहीं रही, क्या वजूहत है? इसकी वजूहत जो है इंटरनेशनल बेस जो हमारी इंटरनेशनल जो वैल्यू है वो उसी तरह हम उसके ऊपर गामजन है। दुश्मन के लिए तो हम भरपूर ताकत रखते हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदरूनी हमारे दुश्मन है उनसे कैसे बचा जा सकता है? और जो इमरान खान साहब ने ये हरकतें की है, इस पार्टी ने जो हरकतें की है, पाकिस्तान जो है कि अब आर्मी इस मुल्क को कंट्रोल करे, ना कोई मईशत है ना कोई आपको मार्केट में प्राइस स्टेबल मिलेगी। और महंगाई है, हर बंदे का अपना रेट है, कस्टमर आ जाए उसने अपना रेट मांगा। सर आपने कहा आर्मी कंट्रोल करे, मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी पब्लिक तो यही कहती है, इमरान खान भी यही कहते हैं कि आर्मी ही तो कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को, तभी पाकिस्तान दिवालिया के हो गया। नहीं, जब भी जमहूरियत आई है तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ। अगर हम देखें तो इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम और जमहूरिया एक तो नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क है ना, इसलिए इसे इसमें जमहूरियत ही जरूरी है। लेकिन वो जो इमरान खान कर रहा है वो थोड़ा गलत कर रहा है। सर आज अगर हम देखें तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, लाखों अरबों का नुकसान हुआ, सवात का एयरपोर्ट जो सॉरी मोटरवे जो है वो सारा राख कर दिया सर, जगह जगह पे नाके। ये गलत कर रहे है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा नुकसान, इंटरनेशनल बेस देखिए, जगह जगह गाड़ियाँ जल रही है, मतलब सामान का तो बर्बादी हो रहा है। वो डिफॉल्ट के करीब है ना मुल्क, वो ये सारा इसके पीछे ये जो अनासर है ना ये पीटीआई वाले। सर आज अगर हम देखें तो हमारी आर्मी की तरफ से एक डिक्लेयर किया गया है कि 75 ईयर इन इंडिया को हुए हैं, मगर आज भी इंडिया जो है वो वैसे नहीं हो। इंडिया में हमसे ज्यादा तरक्की है, बांग्लादेश से ज्यादा तरक्की में है, पाकिस्तान जो है इसका डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो रहा है, इस वजह से जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ रहा है सारा। सर हम उनकी मौशियत देखें तो 3 गुना 4 गुना हमसे ऊपर नजर आती है। सर उनका कश्मीर देखें तो उनके कश्मीर में हमें डेवलपमेंट नजर आती है, हमारे इधर जीडीपी सबसे अच्छा पंजाब का है, सबसे अच्छा पंजाब का है, लेकिन पंजाब की भी सूरत हाल भूख की नजर आती है। सर क्या हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते थे अगर हमें कोई अच्छा, कभी नहीं कर सकते, इमरान खान मिला था मगर इसको रहने नहीं दिया गया। हालांकि अगर इलेक्शन करवा दिए जाए तो इसमें अक्सरियत जो आएगी ना इमरान खान की आएगी। आपको लगता है इलेक्शन होंगे? इलेक्शन जो सूरत हाल जा रही है इसमें लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे। बिल्कुल सही। एक और सवाल सर, आपने कहा हम मुकाबला कर सकते थे, अगर अभी ऐसे ही रहा, इमरान खान नहीं आते अगर लीडर के तौर पर, या फिर हमारे अगर इलेक्शन नहीं होते, सूरत हाल कितनी ज्यादा पचीदा होगी, और क्या फिर हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं? और क्या क्योंकि उसकी देखे ना करेंसी कहाँ पे है और हमारी करेंसी कहाँ पे है, इसलिए इंडिया का तो हम कर ही नहीं सकते। क्या हमारी नाकस सूरत हाल पे इंडिया हमारा फायदा उठा सकता है या नहीं? वो ऑलरेडी देखे ना उसका मीडिया क्या कर रहा है, 2-4 दिन से वो कितना कर रहा है, इसी सूरत हाल पे हमारी आर्मी पे अटैक कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है। सर ना सिर्फ इंडिया बाकी बहुत से मुल्क ऐसे ही कर रहे हैं, सारे ऐसे ही कर रहे हैं, सभी ऐसे कर रहे हैं, और ना हम उनको ब्लेम कर सकते हैं ना किसी और मुल्क को ब्लेम कर सकते हैं, कभी उनके सूरत हाल ऐसे हो तो हमारा मीडिया भी तो यही कर रहा है, ऐसे ही ऐसे। तो आप मीडिया की बात करेंगे तो मैं कहूँगी दोनों मीडिया सही है कि गलत है? नहीं, मीडिया तो जो सूरत हाल चल रही है वही दिखाएगा ना, अब देखा जाए तो यही है कि बेहतरी की तरफ आगे जाए हमारा। क्या सूरत हाल ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूरत हाल करने के लिए हमें ये इलेक्शन करवा दें एक तो, उससे ये पता होगा कि इमरान को 5 साल के लिए आया वो, तो फिर ही आगे वो मजीद चलेंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। भरपाई तो इमरान खान को ही करनी चाहिए, वैसे आवाम भी बड़ी जाहिल है मेरी नज़र में। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर उसने कह दिया है तो आपने सड़कों पर निकल के अपने नुकसान किया, उन्होंने बेसिकली तो अपनी इन्हीं पे टैक्स लगेगा, जाने गई है। हाँ, वो जानी नुकसान तो आप बिल्कुल भी वो नहीं आप कह सकते। वैसे जो माली नुकसान है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इमरान खान करेगा, लेकिन हमसे ही निकाल के करेगा, ऐसी जाहिल अवाम है कि अपने ही नुकसान कर रही है। सही बात, हमारे ही टैक्सेस ज्यादा हो जाए। बेशक बेशक। सर आज हम देखें तो हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब से आर्मी को अटैक किया गया है। सर आर्मी को अटैक किया गया जहाँ इंटरनेशनल बेस सबसे अच्छी इमेज हमारी आर्मी की थी, आज सर क्या वैल्यू पाकिस्तान की रह गई है? ये तो वाकई, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है कि आप मीडिया इतना आम है कि जब बाहर की कंट्रीज में लोगों ने देखा होगा कि आर्मी के ऊपर ऐसे अटैक हुआ, और इस तरह से तो वाकई वो बड़ी डिग्रेड वाली बात है उनके लिए। सर ये
एक और आखिरी सवाल, अगर हम देखें तो हम दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं, पहले हम देखें तो हमारी लकीर आती है इंडिया के साथ क्योंकि हम वहां से निकले सर, आज वो हमसे 10 से 15 साल आगे नजर आते हैं, हम उनसे पीछे नजर आते हैं, क्या इस सूरत हाल जो इतनी नाकस हुई है क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का, क्या इस नाकस सूरत हाल में वो हमारा फायदा उठाएंगे या कमजोरी का? नहीं, आप इंडिया की बात कर रही हैं जो हमसे बाद में मुल्क आजाद हुए हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो इंडिया का क्या? सही बात है भाई, बांग्लादेश को देख ले, उनका नहीं कर सकते तो आप फिर वो इंडिया की बात कर रही हैं, बस बहुत ही बुरा हालात है। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।